खबरनामे के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी इंतखाबात की, जिसका नतीजा सामने आ चुका है। जो बाइडेन अमरीका के 40वें सदर मुंतखब हो गए हैं और उन्होंने सदर ट्रंप के 214 वोटों के मुकाबले में 290 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। आलमी ताकत के सियासी अदवार में रिकॉर्ड वोट हासिल करने वाले और अमरीकी तारीख के 5वें कम उम्र तरीन सेनेटर जो बाइडेन कोहना मश्क सियासतदान मंजे हुए सिफारतकार और कानूनदान भी हैं। जो बाइडेन ने ट्वीट में अपनी कामयाबी का ऐलान करते हुए कहा कि अमरीका, मुझे फख्र है कि हमारे अजीम मुल्क की क्यादत के लिए आपने मेरा इंतखाब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की क्यादत करना मेरे लिए एहसास की बात है, हमारा रास्ता कठिन है। चाहे आपने मुझे वोट दिया हो न दिया हो, मैं ये समझूंगा कि आपने मेरे हक में ही वोट दिया है। तमाम अमरीकियों का सदर हूं और अमरीकी आवाम के एतमाद पर पूरा उतरूंगा। जो बाइडेन की कामयाबी के साथ कमला हैरिस अमरीकी नायब सदर मुंतखब हो गई। अमरीकी सदारती इंतखाब की तारीख में कमला हैरिस नायब सदर के अहदे पर फाइज होने वाली पहली खातून हैं। जो बाइडेन की अमरीकी सदारती इंतखाब में कामयाबी की खबर आने पर अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में हामियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और जो बाइडेन की कामयाबी पर जश्न मनाया, जबकि दुनिया भर से भी आलमी रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। नाजरीन, हमारे नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट इस वक्त अमरीका में हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे ताजा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी हसन, आप मुझे सुन पा रहे हैं, अपडेट्स क्या हैं इस हवाले से? जी, अमरीकी सदारती इंतखाबात जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने जीत लिया है और उनकी जो इलेक्टोरेट कॉलेज के अंदर जो उनकी बढ़तरी है उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त उनके 290 वोट हैं, जैसा कि हमारे ऑलरेडी इलम में है कि 538 में से 270 चाहिए होते हैं अमरीका का सदर बनने के लिए। इस तरह उनकी पोजिशन जो है वो व्हाइट हाउस के लिए वो बहुत वाजे हो चुकी है। और इस वक्त दो स्टेट्स हैं जिनका रिजल्ट अभी आना बाकी है, जिसमें जॉर्जिया है जिसके 16 वोट हैं, इसके साथ साथ नॉर्थ कैरोलिना है इसके 15 है। जो जॉर्जिया है उसके अंदर भी जो है वो जो बाइडेन की जो बढ़तरी है उसके अंदर इजाफा हो रहा है, और अगर इस तरह वो इस रियासत से भी वो जीतते हैं तो 290 जमा 16 तो ये 300 प्लस उनके जो है वो इलेक्टोरेट कॉलेज के वोट्स हो जाएंगे। और नॉर्थ कैरोलिना क्योंकि ट्रेडिशनली जो है वो रिपब्लिकन स्टेट है और नजर भी यही आ रहा है कि वहां से सदर ट्रंप जीतेंगे, मगर जो जॉर्जिया के जो 16 वोट है उसकी वजह से 306 हो जाएंगे और ये कंसिडरेबल जो है वो बढ़तरी जो बाइडेन को मिल जाएगी। जी जी, बहुत शुक्रिया हसन तारिक भट्ट।